नोटी हो रही है दीदी आज। Hey guys, welcome back to our channel. Welcome to Vivian Anna's vlog. और कल व्लॉग नहीं आया था क्योंकि आपने व्यूज ही नहीं दिए तो हमारा मन भी नहीं कर रहा व्यूज करने का, व्लॉग बनाने का। तो बात यह है कि व्लॉग तो आया नहीं, बट और एक्चुअली बात ये भी थी कि कल ना मैं गई हुई थी एक ऑफिस के काम से, तो मैं लेट हो गई थी रात को आने में, फिर जिम पे जाना था तो बहुत हेक्टिक हो गया था, तो व्लॉग शूट करने का मन भी नहीं किया हमारा। तो हमने सोचा लेट्स टेक अ रेस्ट, टेक अ ब्रेक, तो हमने व्लॉग नहीं बनाया। एंड गेस व्हाट, आपने भी तो व्यू नहीं दिए। ऐसा नहीं चलेगा गाइस, दिस इज नॉट डन। वैसे एक बात दो, वी हैव 16,000 सब्सक्राइबर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल बट वी नेवर गेट 16,000 व्यूज ऑन इट, इनफैक्ट 10,000 भी नहीं आते। तो ठीक है जो भी है, व्हाटएवर। वो मेरी बेटी को देखो शने, अच्छा मीठे मालसो। मैं अभी अभी आई हूँ और अभी चेंज करना बाकी है, चेंज करके सीधा जाएंगे किचन में क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता, खाना वाना बनाने में लेट हो जाता है। तो मैं आज रेस्ट नहीं करूँगी, मैं खाना बना लेती हूँ, फिर नानू आएगी और फिर हम जाएंगे जिम, हम जिम जाएंगे। गाइस नानू आ चुके हैं और अभी बोलेगी कि मैं यहाँ पे किचन में आ गई, काफी लगे हुए थे पोस्ट कर रहे थे। क्या जल रहा है? हाँ बेबी देखो इसको, देखो नूनी पोनी को देखो मेरी। तो यहाँ ये मखाने हो रहे हैं फ्राई, यहाँ पास्ता की रेडी हो रही है, इधर बैंगन के लिए भरते के लिए हो चुका है, ये हमारे अनार कट चुके हैं खाने के, क्योंकि क्योंकि हम सारा काम कर लेते हैं भाई खुद ही, और मेरा डिनर बन चुका है मेरा। आज मेरे को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों से, क्योंकि नानू पता नहीं कहाँ से इतना सारा पता नहीं पैसा ले आई है, गड्डी चुरा के, चोर है नानू, दिखाइए जरा। सब फैला हुआ, इसका बैग भी यहीं पड़े, देखो ये तो पेपर लग रहे हैं, पैसा नहीं है लग रहा, दिखाई दे रहा निकाल के बुलेट में से, बस इतना ही निकाल के दिखाते हैं, इससे ज्यादा दिखाते हैं, दिखा जल्दी, नहीं दिखा गाइस, ये देख रहे हो बहुत ज्यादा पैसे की गड्डी तो नहीं कह रही मैं, पर देखो ये दिख रहा है पैसा नया नया, कल से डबल होंगे ट्रिपल होंगे, बैंक लूट के आई है ये, कल से ट्रिपल होंगे, देख रहे हो गाइस ऐसे जगह काम कर रहा हूँ बगल में आजा। तो मैंने कहा जब पैसे ले आई है तो चल शॉपिंग ही करा दे दीदी, हैं दीदी शॉपिंग करेंगे आज, तो हम शॉपिंग करेंगे। पहली बार मेरी लड़की ने बोला मेरे को कुछ नहीं लेना, मैंने बोला वेरी गुड एज यू से। अभी जस्ट इसकी ये व्लॉग स्टार्ट करने के पहले की लाइन है, इसने बोला इसको कुछ भी नहीं लेना, तेरे को देखना तो देख लेना, क्या ही बोलूंगा। आज हमारे सैलरी नहीं आया तो फिर मेरे को अच्छी तरह नहीं लग रहा इस बार ना, बड़ा सैलरी आती तो तुम पे कर रहे हो। अच्छा ये गाइस सुना रही है कि हमेशा यही पे करती है, ऐसा कह रही है? ये ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं, ये लाइन बोल रहा हूँ मैं, ये कौन सी लाइन समझ रहे हो? मतलब अच्छा मतलब तुम्हें सैलरी आ रही है तो तुम खरीद लेते? नहीं तो फिर ये क्या लाइन है? अरे मेरे को अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं है इसलिए। बैंक में पैसा बड़ा चार डालना है, बैंक में पैसा रहता तो थोड़ा ऐसा फ्री फ्री, बैंक में पैसे रहेंगे बट शॉपिंग कहीं और से करनी है तो बाय डिफॉल्ट वो तो चीज कंटिन्यू हो ही सकती है, कहीं और से क्यों करेंगे शॉपिंग, हम नहीं कर रहे शॉपिंग, हम अपने पैसे करेंगे, पैसे की तो हो रही है, हम कैरियर कहीं और से कर रही है। अरे कहीं नहीं सुने की नहीं गई, ज्यादा इतरा रही है अपने पैसे पे, देख रहे हो फोटो, देख रहे हो फोटो, ज्यादा इतरा रही है अपने पैसे पे, फोटो देख रहे हो फोटो, नहीं देख रहे यार, देखो फोटो फोटो, देखो क्या देखना है इस फोटो में, मैं बढ़िया लग रही हूँ, सेक्सी एकदम, सेक्सी प्रो हो गई हूँ एकदम। गाइस टुडेज लुक, गाइस टुडे लुक, इट्स टुडेज लुक, बाय बाय, हम जा रहे हैं जिम। ओ ये इसका रिएक्शन देखो, मैं कह रही हूँ जिम। ओ ये इसकी शक्ल देखो जरा, वो ये जाओगी क्या मेरे साथ?
दीदी जाओगी क्या मेरे साथ? गाइस इस लड़की से मिलो, चलेगी। तुम कॉम्बी फिल्म ले आई थी उस दिन? कॉम्बी फिल्म ले आई थी? उधर ही तो खा लो फिर। गाइस हम जा रहे हैं, चलेगी आज के दिन। वो देख लो बैग लेके, हमारी बिल्डिंग है जिम के इधर और हम जा रहे हैं बाहर। और यहाँ है बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। ये कह रही है हम आपको ट्रैफिक दिखाने आए हैं, देखो ट्रैफिक, ये यहाँ तक ट्रैफिक लगा है, ये वहाँ से बहुत आगे से ट्रैफिक हो रखा है, हमारे घर के भी आगे से ट्रैफिक है। पर ये रोड इतना प्यारा लगता है यहाँ पे, देख वाह बड़ा सही दिख रहा है, कैमरा शूट होएगा। क्योंकि चलते हुए अभी कहाँ देख रहे थे, अब देखो कहाँ आ गई है। ये देखो मॉल ले आई है मुझे चला चला के, जिम गए थे मॉल आ गए ऐसे कपड़ों में। गाइस किसने इवी चंदा को ऐसे कपड़ों में मॉल घूमते हुए देखा है? सबने देख लिया, अब तो बस क्या ही फर्क पड़ता है। फिर मेरे जॉन्स क्या है, हमारा थर्ड होम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम घर में कैसे भी घूम लेते हैं। हाँ हम ऐसे भी वहाँ पे जब भी आते हैं, मतलब इनोवेटिव, हम कैसे भी गए यहाँ पे भी, मैं कैसे भी आई हूँ, तेल लगे हुए मैं चप्पलों में, देख छुअर क्यूट छुअर देखा गाइस, इट्स अ क्यूट छुअर। अच्छा मैं तो शक्ल मिला रहा था बिल्कुल मजा नहीं आया मुझे, बस तो ऐसे ही रही थी। चलो जैकेट पहना दूंगी, ज्यादा बकवास कर रही हूं। मैंने पहना दी बस फिर पहन ले जाके, कोई रोकेगा तेरे को? नहीं बोला पहना दे, कोई रोकेगा इसे? अरे पिना पिना, इसको पिना है पहनाना नहीं है, तो पिना हिला दे चलेगा, हिला दे जी, गंदी बातें करिए ये। चल अब वहाँ आए हैं तो बढ़िया वाला जग तो मग तो लेके जाऊंगी अब मैं। कौन सा मग? हमारे अब पता है, एक बात बता दो, हम जब से जिम जा रहे हैं तो जिम में हम लोग एक बेचारी 10 रुपए की बिस्लरी की बोतल में पानी भर के ले जा रहे हैं। तो कौन सा मग? तो आई नीड टू चेंज माई ग्लास नाउ, अब माई मिस्टर DIY तो वहाँ से एक बढ़िया सा ग्लास ले गया। फिर ग्लास कहाँ से लाया तुम हमें? मैं लाया, तू लाया, मुझे भी लाया, माने कितना खर्चा हो गया है, तो एक गिलास ले लेते हैं। तुम्हारा फिर ये रबड़ बैंड भी देख ही लेंगे। क्या है रबड़ बैंड? मैंने बोला था मेरे को रबड़ बैंड लेना है। अब इतना कह रही है तो सब खरीद लो, करंट मार रही है, करंट मार सही है हमार भाई। इसको मैं लेके आया कि ये लेके आई मुझे? ये दे गाइस छोटी, ये छोटी ने पहना छोटी, मैम क्या बोली? छोटी ने पहनी छोटी, मेरे को छोटी कह रही हो? छोटी देखो कैसी है, छोटी ले लो तुम, ले लो टिकट, टिकट 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 नो टिकट। ये हमारा जिम चल रहा है आज का जिम, हमें आप हमें ऐसे ही देखोगे, दिस इज आवर जिम, देख रहे हो जिम की बॉडी। ये सैम ये नहीं No. Nothing new. Guys, we are done for the day. और आज मैं नानू की टीशर्ट पहन के आई हूँ जो मैंने जिम के लिए हड़प ली है, अभी मैं पहनूंगी। नैने बुबू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, दिख रही हूँ। Let's go. पसीने पसीने वाली तुसी कर ली इसने यहाँ पे, छी पसीने ले लिए, मोटा लग रहा हूँ गाइस, कुछ पतली नहीं हो रही यार मैं तो। गाइस ये बहुत अच्छी फिट हो गई है एकदम। ओह माय गॉड गाइस, डोले बन गए इसके तो, मेरे को भी दिखाने। गाइस मेरे भी देख लो यार, ऐसे करोगे क्या? बोले बन गया तेरा बोले, अरे बस बस। ओ भाई कटा रहे हैं, कर 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 कटाएं कटाएं। ओ आ गए बिल्कुल आ गए, ओ ओ अरे बिल्कुल बोल तो। यार पीछे का थोड़ा और पीछे टन का, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ओ बाउंस तो, ओ बाउंस दिखाएंगे, बाउंस दिखाएंगे।
डालती हूँ तब मैं डाल एक महीने बाद डालेंगे 30 एक बार जो पूरा ऐसा पेट में हाथ लग गया एक महीने बाद देखूँ कितना कुछ होगा 30 सेल्फी एक साथ डाली और मैंने अपना टन 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 और मैंने अपना वेट भी करा कर लिया है BMI वगैरह सब चेक कर लिया ऑफिस में अब एक महीने बाद देखूँगी फिर ऑफिस आता हूँ मैं कराने के लिए गो गाइस घर चले खाना वाना खाने 11 बज के चलो करियो पागल जी इसको देखो इस पगलू को इस पगलू को देखो अच्छा ऊपर जल्दी ऊपर ऊपर जल्दी गले में तो आएगा गले में तो आएगा आज जल्दी ऊपर जल्दी ऊपर ऊपर गुड बॉय नो ना नो नी गुडी बॉय देख रहे हो गाइस इसको देख रहे हो गुड बॉय क्या है मेरे को कौन करेगा मेरे को किया तूने उतरे मेरे को किया तूने प्यार मेरे को किया क्या प्यार जीभ लटका ली तुरंत साइड करके जीभ लटका ली तुरंत मैं नहीं कर रहा है नहीं करेगा मैं नहीं कर रहा तब काम करता हूँ मैं नहीं कर रहा मैं देखो आज क्या ले आई मेरा एक ग्लास डरा रही डर जा इसको अलग नहीं मत कर ये पागल है रिचो हट्टू है अभी पीछे जाते तो ज्यादा ड्रामा करता है इधर आ हट्टू तो है बट पागल भी क्लास है उन्होंने मम्मी ने खाली डब्बा देख कैसे देखना है ये क्या बात कर रहे हो खाली कैसे हो सकता है ये तो मेरे जैसा है बिल्कुल खाली हाजू ये तो तेरे जैसा है बिल्कुल खाली हाजू ये तो तेरे जैसा बिल्कुल खाली है बाकी मेरे ग्लास है तो गाइस ये ग्लास लेके आए हम घर पे जाने के मसा पर मारूंगी ये वही DIY से आया गया है जहाँ तो, पे अपना हेयर बैंड ट्राई कर रहे थे तो ये चुप तो इसको देख लो इसको देख लो इसको देख लो इस बंदे को लड़को मैं मार दो फट जाएगा हाँ तो ये आया है जिम जाने के लिए क्योंकि हम जिम में ना बेचारे ऐसी कोई बोतल है 10 रुपए की बिस्लेरी 10 रुपए की वही लेके जा रहे हैं इतने दिनों से तो मैंने कहा मुझे शायद मार जाएंगे हमें धीरे धीरे आने दो जरा हमारे फॉर्म में जरा जिम वाले फॉर्म में आने दो गाइस पहले दिन तो कपड़े भी हम थोड़े ऐसे कुछ पहन जाते अब हम 6 दिन अलग अलग कपड़े पहन के जाएंगे और क्लास में ऐसे ऐसे स्टाइल मार के लेट्स डू एक्सरसाइज ऐसे ही हाथ रखोगे तो आज हमारे जिम में कौन था आज हमारे जिम में बस ही आया था जो स्प्रिट्स वाला और रोडीज मगर अगर आप लोग देखते हो स्प्रिट्स वाला और रोडीज तो आपको पता होगा कि बसीर कौन है तो बसीर आया था हमारे जिम में मतलब वो वही करता है आज हम थोड़ा लेट हो गए तो हो सकता है वो लेट आता हो या वो भी रेयरली आता हो क्योंकि हाँ बहुत सारे जो लोग हैं ना उनको टाइम नहीं होता है शूट शूट पे रहते हैं लोग और खुद का भी अब लग इनको शूट टाइम के कुछ टाइमिंग तो होते नहीं है जैसे हमारा चलो फिक्स टाइम है ऑफिस का एक बट उनके तो ऐसे टाइम होता है वो शायद मतलब मेरे को लगता है कि दिन में भी आ जाते होंगे ये लोग बहुत लोग क्योंकि दिन में खाली रहता होगा है ना और मैं एक चीज है मैं आई ये डस्टबिन के बाहर निकाला हुआ ऐसे ही वहाँ पे मैं कचरा डालना था पहले सब जैसे खुल रहा तो गाइस ये देखिए ये वो ये जो ट्रायल दिखाया था ये फाइनल वो 3 ड्रेस में से एक ड्रेस ले ड्रेस ले मैंने तीसरी नहीं दिखाई हमने 2 ही दिखाई थी हाँ तो 3 देखी थी हमने पर तीनों में से यही ठीक लगी और पहन के ठीक भी लग रही है अब इसके अंदर फिट होना है थोड़ा सा और पतला होना है और अच्छी लगेगी फिर ये कैसे लग रही है ये ड्रेस ऐसे काफी बाद ऐसे प्रिंट आया मेरे पास काफी टाइम बाद लिया ना और ऐसे प्रिंट में जो आती है चीजें अच्छी लंबी चल जाती है मेरे पास नहीं होता बताओ मैं कैसे लग रही हूँ
तो गाइस बता दो तीनों में से आपको कौन सी पसंद आई ड्रेस और आपको कौन दो में से पूछो, तीसरी उन्होंने देखी नहीं है। दो ड्रेस में से आपको कौन सी अच्छी लगी? वैसे ये न्यूमी की ड्रेस है, बहुत ही मतलब इसका कपड़ा मुझे ठीक ठीक लगा है, मैं बहुत बुरा नहीं बोलूंगी लेकिन अच्छा कपड़ा है, बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगी, मतलब ठीक है इसके हिसाब से, और उसके हिसाब से कपड़ा ठीक है और सॉफ्ट भी है। तो न्यूमी के न्यूमी से ना पहले भी कुछ कपड़े लिए थे मैंने, तो भी इनकी ना क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जो मेरा टॉप था ना ब्लैक वाला उसकी क्वालिटी बहुत ही प्यारी है। पता नहीं 600 या कुछ 500 का टॉप लिया था वो हमने, 699 या 799 कुछ ऐसा था, बट वो सच में उसका कपड़ा इतना कम्फर्टेबल, क्या बोलते कम्फी है ना, कि पहन के सब तो कुछ पहनना ही नहीं है, तवाई चाहिए। बस मैं आपको यही दिखाना था। पीछे से गंदे गंदे इशारे कर रही है मेरे को, थप्पड़ मार दूंगी मैं ऐसा करेगी तो। छी अच्छा, हाँ किस चीज में छी है आपकी, जरा बताना। ऐसे ऐसे कर रही है, अच्छा ऐसे ऐसे, हाय हाय छी, ऐसे ऐसे पति हो गई यार। दिखाऊं दिखाऊं आपको, देखना है, देखो करियो, ये देखो ये देखो ये देखो, मैं तो छोड़ ही करता। ये रंजीत कपूर, रंजीत क्या नाम है उनका, रंजीत अंकल आ गए, हमारा रंजीत अंकल पुराने जमाने के इज्जत लूटने वाले अंकल जो थे। ओके, पुरानी मूवीज में जो अंकल सबकी इज्जत लूटते रहते थे और नाइस तो वो वाले अंकल ऐसे करते है, आईब्रो चढ़ा के, किसी जमाने में यही आईब्रो से कोई खुश होता था, कौन पता नहीं कितना कौन सबको खुश करती थी, कोई खुश होता था इससे तो पता नहीं, ये आईब्रोज चढ़ा चढ़ा के खुश करती है लोगों को, ये समझ रहे हो, नोटी हो रही दीदी आज, देखो देखो हरकत, देखो 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 नोटी हो रही है आज, देखो घूंघट कर लिया है, मेरा घूंघट है, मेरे पास दोनों आते हैं, मैं घूंघट छोड़ो मेरा घूंघट छोड़ दो, चल हमें लज्जा आ रही है, गाइस कैसा लग रहा है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं ऐसे, हर बार ऐसे थोड़ा ना हो जाता है, सीधा फाटक थोड़े ना खोल लिया, इतना वाहिया तरीके से कोई घूंघट उठाएगा तो कोई स्वागत नहीं मनाएगा, मैं घूंघट कैसे लग रहा पहले ये बताओ, घूंघट बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा, अब बीवी बेचारी खुद ही गई थी, मैं खुद ही देख लेती हूँ, घूंघट तो कोई उठा नहीं था ढंग से, मैं ही देख लेती हूँ। ओ भाई साहब, गाइस ऐसे बच गया एक, हम जा रहे हैं सोने ये नौटंकी के साथ, और ये नौटंकी चलती रहती है तो हम लोग ऐसे ही मेंटल हैं थोड़े से पागल से एड़े से, तो किसी का वैसे कमेंट भी नहीं आया ना कि ब्लॉग नहीं आया था, वैसे हम देखा भी नहीं था, मैं एक्चुअली पता नहीं, मैं ऑफिस में मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, तो मुझे मैं इंस्टा पे भी कुछ नहीं डाल पा रही हूँ, और तो स्टोरी डाली थी और यूट्यूब पे भी मैंने कुछ नहीं डाला, स्टोरी का रिप्लाई ज़रूर आया था, तो गाइस थोड़ा हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है, बहुत ज़्यादा हम लोग भी बिजी हैं, हम ब्लॉग को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, जो कि गलती है हमारी, करना चाहिए हमें, हम अपने आप को भी टाइम नहीं दे, हम अपने आप को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो बस पता नहीं क्या ही हो रहा है, 2024 अलग तरीके से स्टार्ट हुआ है हमारा, बिजी बिजी बिजी, एनीवेज इट्स ओके, वी आर लविंग इट। ओके गाइस, तो यहाँ करते वाला ब्लॉग एंड, इसी लवी डवी के साथ आपको करना है क्या, पहले तो चुम्मेश्वरी ले लो आप हमसे, क्योंकि लोगों को और ले लो दे दी, अब तो गई, आपको करना लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, कोई बात नहीं, तो आप ओके गुड नाइट टू डल्स, पूछ लो, नहीं मैं भूल गई, बाय बाय, सो सॉरी।